14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। देश की आम जनता के साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। बहुत ही डिस्गस्टिंग हुआ है एंड इसके साथ ही स्टार्स इन शहीद परिवारों की मदद के लिए भी आगे आए हैं और इस हमले के बाद अब बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम न करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, आतंकी हमले का विरोध करते हुए मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में पाकिस्तानी कलाकारों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उन्होंने फैसला लिया है कि वो अब पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने वो गाने हटा दिए हैं जिनको पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाया है। इसमें पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान का नाम भी शामिल है और सलमान ने भी अपना विरोध जताते हुए अपनी फिल्म से आतिफ असलम का गाया हुआ गाना हटा दिया है। लेकिन सलमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और फिल्म से आतिफ के गाने की एग्जिट करवा दी है। दरअसल पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने फिल्म नोटबुक के डायरेक्टर को आदेश देते हुए आतिफ का गाना हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म सलमान के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है। सलमान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और खबर के मुताबिक फिल्म मेकर्स फिर से इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे और एक दो दिन तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। इस फिल्म से मोहिनीश बहल की बेटी प्रनूतन और जहीर इकबाल अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान ने शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खुद सलमान को धन्यवाद भी किया था। सलमान के अलावा अजय देवगन ने भी पाकिस्तान में अपनी फिल्म टोटल धमाल को रिलीज करने से मना कर दिया है। इस बात की इन्फॉर्मेशन खुद अजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फैंस के साथ शेयर की थी। फिलहाल आप सलमान के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।